विश्व कप 2019 के पहले सेमीफाइनल मुकाबले में मंगलवार को भारत और न्यूजीलैंड आमने सामने होंगी। यह मुकाबला मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर खेला जाएगा। हालांकि इस मुकाबले के लिए टीम इंडिया को जीत का प्रबल दावेदार माना जा रहा है, लेकिन न्यूजीलैंड को भी कम नहीं आंका जा सकता। बता दें आपको कि विश्व कप शुरू होने से पहले प्रैक्टिस मैच के दौरान न्यूजीलैंड की टीम ने भारतीय टीम को करारी शिकस्त दी थी। ऐसे में भारत भी ये बात जानता है कि अगर न्यूजीलैंड को हराना है और फाइनल में जगह बनानी है तो फिर सही कॉम्बिनेशन के साथ जाना पड़ेगा। खबरों की माने तो इस बार टीम में बड़े बदलाव हो सकते हैं। आपको बता दें कि इस टीम में दोनों ही स्पिनर्स की वापसी हो जाएगी और हो सकता है कि रविंद्र जडेजा को टीम से बाहर जाना पड़े। लेकिन अगर रविंद्र जडेजा खेलते हैं तो कुलदीप और चहल में से कोई एक खेलेगा और उसके बाद तीनों पेसर इस मैच में खेलते हुए नजर आएंगे। बड़ी बात यह है कि तीनों पेसर्स में एक तो हार्दिक पांड्या होंगे और मोहम्मद शमी की करंट फॉर्म को देखते हुए लगता है कि उन्हें बाहर का रास्ता नहीं दिखाया जा सकता और जसप्रीत बुमराह उनके साथ होंगे। यानी कि अगर पांच गेंदबाजों की बात की जाए तो शमी, बुमराह, चहल, जडेजा और हार्दिक पांड्या यहां पर टीम के लिए सेमीफाइनल में खेलते हुए नजर आएंगे। वहीं बल्लेबाजी की अगर बात की जाए तो बल्लेबाजी में ऋषभ पंत का नंबर 4 पर खेलना तय माना जा रहा है, राहुल और रोहित का खेलना तय है। 3 नंबर पर कप्तान कोहली रहेंगे, 5 नंबर पर महेंद्र सिंह धोनी। 6 नंबर की बात की जाए तो इस क्रूशियल मुकाबले में दिनेश कार्तिक की जगह यहाँ पर केदार जाधव को 6 नंबर पर मौका दिया जा सकता है। अब बड़ी बात यह है कि अगर 6 नंबर पर दिनेश कार्तिक की जगह केदार जाधव खेलते हैं तो भारत के पास एक्स्ट्रा बॉलिंग ऑप्शन होगा, क्योंकि भारत यहाँ पर एक्स्ट्रा बॉलिंग ऑप्शन के साथ जाना चाहेगा। न्यूजीलैंड को हराने के लिए और न्यूजीलैंड को रोकने के लिए भारतीय टीम ये बड़ा पैंतरा खेल सकती है और शायद ये भारत की लगभग तय वो प्लेइंग 11 है जो खेलती हुई नजर आएगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या भारतीय टीम न्यूजीलैंड को हराकर विश्व कप 2019 के फाइनल में प्रवेश कर पाती है या नहीं। ANP न्यूज रूम से अभिलाष पांडे की रिपोर्ट।